आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ा दावा किया कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक ये सरकार गिर सकती है। इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में बीजेपी और नीतीश कुमार पर कठोर आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में जेडीयू ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरजेडी ही एकमात्र पार्टी है जो ना तो समझौता करती है और ना ही बीजेपी के सामने घुटने टेकती है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में होना सबसे बड़ी बात नहीं है, हम गरीबों और वंचितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट शेयर 9% बढ़ा है, जबकि एनडीए का वोट शेयर 6% कम हुआ है। उन्होंने इस बात को भी बताया कि आरजेडी ने 4 सीटें जीती और वो और भी सीटें जीत सकते थे, लेकिन उनके गठबंधन ने इस चुनाव में 9 सीटें जीती हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि ये डबल इंजन वाली सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 20 दिन के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं और कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वो बताए कि बिहार में अपराध चरम पर है और पेपर लीक भी हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है।